It's Deepmala, contestant number 44 for Perfect Miss 2019. Here I want to share some views about cosmetic and organic beauty products. तो बेसिकली जैसा कि देखा जाता है आजकल हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक एंड ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो हम अपने घर में भी बना सकते हैं, मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है, जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट भी होता है। एंड कॉस्मेटिक में क्या आ जाता है, लाइक हम अपने हेयर कलर्स करा लेते हैं, हेयर्स परमानेंटली स्ट्रेटनेस हो जाती है, लिप कलर्स हो गए, आई शेडोज हो गए एंड शैम्पूज एंड ऑल हो गए, फेस का होल मेकअप भी ले लीजिए, बॉडी का केयर ले लीजिए, ये सब कॉस्मेटिक में आ जाता है जो कि हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। एंड ऑर्गेनिक में आप ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कि हमारे पास पाउडर्स बने हुए हैं जो ऑर्गेनिक हैं, शैम्पू है एंड लिप बाम्स हैं जो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं। अब जैसे कि बेसिकली हमें ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा फेस वॉश की, तो कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा केमिकल मिला होता है फाइनली, तो जिसमें कि केमिकल हमारी बॉडी को जैसा कि सबको पता होता है हार्म करता है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ऑर्गेनिक जो घर में आप बना सकते हैं, जैसे कि आप कर्ड से बना सकते हैं, टमाटो से बना सकते हैं, आप पोटैटो से भी बना सकते हैं, बहुत सारी आप तुलसी भी लगा सकते हैं अपने फेस पे, अगर आप कुछ नहीं लगाना चाहते फाइन। किसी किसी के फेस में होता है कि उनको कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है फाइन, तो फिर काम कीजिए ना, सुबह उठ के 10 तुलसी के पत्ते खा लीजिए, शाम को सोते टाइम 10 तुलसी के पत्ते खा लीजिए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इंटरनल हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड आउटर ब्यूटी स्किन भी अच्छी लगती है। तो आपको ना मार्केट जाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है, बस 10 पत्ते खाने की ज़रूरत है, तो हुई ना ये बेस्ट थिंग। तो मुझे तो यही लगता है कि ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट अगर कंपेयर करते हैं कॉस्मेटिक से। नॉर्मली मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं तो ऑर्गेनिक ही यूज़ करती हूँ, मेरे फेस को कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स पसंद, मुझे खुद बेसिकली पसंद नहीं। मैं तो सबको यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। आजकल आयुष की ब्रांच इतनी ज़्यादा चल चुकी है जो आयुर्वेदा में इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो ये तो बेस्ट होगा बॉडी के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। ज़रूरी नहीं है ना कि आप अपनी आउटर स्किन ठीक करते रहें, आपका इंटरनल बिगड़ता है। आप स्किन को इतना ज़्यादा केयर देते हैं, आज अपनी स्किन को इतना ज़्यादा केयर देते हैं और 10 डेज बाद, लाइक आज अब 23 की है, आप कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स अपनी फेस पे यूज़ किए जा रहे हैं, बट आफ्टर 10 ईयर जब आप 30 to 32 ईयर्स के होंगे, आपकी स्किन झूल जाएगी ना फाइन, थोड़ा रफ रफ में हो जाएगी, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन 20 to 80 बेसिकली नॉर्मली ले लो 20 to 60 एकदम सेम रहे, वैसे सेम तो रहेगा नहीं, तो टीन्स की एज एंड जब हमारी बेसिकली नॉर्मल एज आ जाती है एंड थोड़ा सा कहते हैं ना एग्जाम्पल में बुढ़ापा आ जाता है साइलेंटली वर्ड्स, तो स्किन तो सेम नहीं रहती है। बट अगर आप ऑर्गेनिक मटेरियल्स अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए, अपने लिप्स के लिए, अपने आईज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट एंड यू गेट द बेस्ट रिजल्ट, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ना, इसलिए मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑर्गेनिक यूज़ कीजिए, कॉस्मेटिक नहीं। सो मैं वैसे इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कॉस्मेटिक के, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी बेस्ट होता है बट ऑर्गेनिक से बेस्ट नहीं। सो आई सजेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ प्लीज़ यूज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बिकॉज इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी एंड आप 29, 30 years young लगेंगे, really. So thank you so much.